दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात पुतिन के साम्राज्य वाले रूस की राजनीति में सत्ता के लिए चल रहे सियासत की। आज की इस कहानी की शुरुआत सवालों से। पहला सवाल यह है कि रूस में कहीं एक और रास्पुतिन का उभार तो नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या रास्पुतिन जैसे लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं? और तीसरा सवाल यह है कि आखिर किन हालातों में रास्पुतिन जैसे लोग उभरते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तराधिकारी को लेकर सुर्खियों में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के एक मशहूर रसोईया येवगेनी प्रिगोजिन की, जो भले ही यह कह रहे हों कि मैं लोकप्रिय होने के लिए कभी प्रयास नहीं करता, मेरा काम अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को निभाना है, राजनीति में जाने की बात तो दूर, मेरी कोई राजनीतिक दल बनाने तक की योजना ही नहीं है। लेकिन रूस में येवगेनी के उभार और क्रेमलिन में उनके भोकाल को कोई नजरअंदाज भी नहीं कर रहा है। लिहाजा लोगों को एक बार फिर से रास्पुतिन की याद सताने लगी है, क्योंकि येवगेनी का प्रभाव भी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा रूस के राजा जार निकोलस टू के दरबार में ग्रेगोरी रास्पुतिन का था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई लोग दबी जुबान में यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि येवगेनी प्रिगोजिन नाम का यह शख्स अगले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। येवगेनी प्रिगोजिन कौन है, कहां से आया है और कैसे पुतिन का करीबी बन गया, इस पर हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रास्पुतिन के बारे में थोड़ी जानकारी उन लोगों के लिए जो उसे नहीं जानते, क्योंकि रास्पुतिन के बारे में जाने बिना येवगेनी प्रिगोजिन की नीति और नियत को स्थापित नहीं किया जा सकता। दरअसल येवगेनी प्रिगोजिन की कहानी बहुत कुछ ग्रेगोरी रास्पुतिन से मिलती जुलती है। तो पहले बात करते हैं रास्पुतिन की। कहा जाता है कि रास्पुतिन में सम्मोहन की ऐसी शक्ति थी जिसने रूस के शासक को भी अपना गुलाम बना लिया था। रास्पुतिन 1906 में पहली बार जार निकोलस दो के दरबार में पहुंचा था। जब रास्पुतिन राज दरबार पहुंचा, तब रानी अलेक्जेंड्रा लंबे समय से हीमोफीलिया से पीड़ित अपने बीमार बेटे के लिए एक वैद्य की तलाश में थी। कहा जाता है कि उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। ऐसे में रास्पुतिन ने रानी को भरोसा दिलाया कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि कुछ ही दिनों में राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गए। इससे शाही दरबार रास्पुतिन का मुड़ी रुक गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जनाब रास्पुतिन आले दर्जे के व्यभिचारी, शराबी और ठग थे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त रूस के कई मंत्रियों और सामंतों की पत्नियां रास्पुतिन के मोहपास में बंध गई थी। पूरे रूस को वह अपनी अंगुलियों पर नचाता फिर रहा था। आखिरकार उसे इस दुनिया से रुखसत करने के लिए कुछ लोगों को जहर की पुड़िया और चंद गोलियों का सहारा लेना पड़ा। तो ये तो थी ग्रेगोरी रास्पुतिन की कहानी। और आज एक बार फिर येवगेनी प्रिगोजिन नाम के एक ऐसे रास्पुतिन की चर्चा जोरों पर है जो रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी हैं। इतना करीबी कि पुतिन के उत्तराधिकारी के तौर पर भी चर्चा करने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल पुतिन के लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। पार्किंसन से लेकर कैंसर तक से पीड़ित होने की खबरें पुतिन के बारे में आ रही हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक तौर पर उठेगा कि पुतिन को अगर कुछ होता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन बनेगा रूस का अगला राष्ट्रपति। तो ऐसे में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है येवगेनी प्रिगोजिन। रूस के राष्ट्रपति की दौड़ में यह नाम सबसे आगे है, तो इस बात की उत्सुकता होनी स्वाभाविक है कि आखिर यह शख्स कौन है और इसमें ऐसा क्या है कि देश की राजनीति के कद्दावर नेताओं से अलग येवगेनी का नाम लिया जा रहा है। तो आइए जानते और समझते हैं येवगेनी प्रिगोजिन के उस सफर को जहां से चलकर वह पुतिन के इतने करीबी हो गए। येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म 1 जून 1961 को सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। पुतिन की तरह येवगेनी भी सेंट पीटर्सबर्ग में ही पले बढ़े। रूसी कोर्ट के दस्तावेज की माने तो
तो येवगेनी को 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था और 13 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल बाद येवगेनी को रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद येवगेनी ने कुछ धंधा पानी करने का फैसला किया। तो शुरुआत में उसने हॉट डॉग का स्टॉल लगाया। इसके बाद उसने अमीर लोगों के लिए एक रेस्तरां खोला, फिर अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर डॉक की गई बोट पर एक रेस्तरां खोला। जल्द ही इस रेस्तरां को खूब पॉपुलैरिटी मिली और यह सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे फैशनेबल डाइनिंग स्पॉट बन गया। पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन खुद दुनिया के नेताओं के साथ इस रेस्तरां में कई बार आए। पुतिन ने 2001 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक सिराक और उनकी पत्नी और 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मेजबानी की थी। 2003 में पुतिन ने अपना बर्थडे भी इसी रेस्तरां में मनाया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का उल्लेख किया गया है कि रेस्तरां में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता था तो येवगेनी बड़े मेहमानों के आसपास ही मंडराते थे। कई बार तो वह खाली प्लेटों को भी साफ करते दिख जाते थे। पुतिन ने भी इसे कई बार नोटिस किया था। इस तरह से पुतिन से येवगेनी की नजदीकियां बढ़ी। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। पुतिन की वजह से येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना के मकमे को खिलाने के लिए बड़े बड़े सरकारी ठेके मिलने लगे। राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी करने का भी अवसर मिला। इसी के बाद से येवगेनी को पुतिन का रसोईया कहा जाने लगा। एंटी करप्शन फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 5 सालों में येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके मिले हैं। अपने रेस्तरां और कैटरिंग के बिजनेस से बड़ी संपत्ति बनाने के बाद येवगेनी ने अपने रसोई घर से बाहर की तरफ कदम रखा। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक येवगेनी रूस की ट्रोल फैक्ट्री को फंडिंग देने वाली कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी का भी मालिक है। कहते हैं कि इसका काम सोशल मीडिया पर काल्पनिक नाम से अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाना है। आरोप है कि इसी कंपनी ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन और हिलेरी क्लिंटन की आलोचना वाले मैसेज को हर मोबाइल तक पहुंचाया। मतलब उसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश की और सफल भी रहे। अब अंत में एक सवाल जो बेहद अहम भी है और स्वाभाविक भी, कि आखिर पुतिन एक रसोईया को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाएंगे? दरअसल 61 साल के येवगेनी उन कट्टरपंथियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं जो पुतिन की बढ़ती उम्र को यूक्रेन युद्ध में विफलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इतना ही नहीं, इन कट्टरपंथियों के बीच वह पुतिन से भी खतरनाक माने जाते हैं। पुतिन के सबसे करीबी येवगेनी मौजूदा वक्त में रूस में सबसे पावरफुल हैं। येवगेनी यूक्रेन में जंग में मिल रही विफलताओं के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। चूंकि पुतिन इसका कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, लिहाजा यह बात आम हो चुकी है कि पुतिन येवगेनी को पसंद करते हैं, लेकिन पुतिन के राजकाज और परिवार के लोग भी येवगेनी को उतना ही पसंद करते हैं जितना पुतिन। अगर हाँ तो फिर कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं तो फिर येवगेनी प्रिगोजिन दूसरा रास्पुतिन साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जनसरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।